नमस्कार, सचको हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भारत में विपक्षी पार्टियों की आलोचना के बीच पाकिस्तान और अमेरिका ने भी इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताया, वहीं अमेरिका ने इस पर जाहिर की चिंता। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा ने कहा कि इस कानून के लागू होने से देश को करना पड़ सकता है मुसीबतों का सामना। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने की पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। दिल्ली में अब पेट्रोल 94.72 पैसे, भोपाल में 106.65 रुपए और कोलकाता में 100.75 रुपए में मिलेगा। वहीं राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 2% की कटौती कर दी। बड़ी राहत, इस ऐलान के बाद राज्य के हर जिले में 3 रुपए तक घट सकेंगे फ्यूल के दाम। आम चुनाव 2024 और राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग 16 मार्च को करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे होगी चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा। बता दें कि इसे ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा लाइव। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी होगी लागू। बता दें कि एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की जा चुकी है नियुक्ति। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की हुई एंजियोप्लास्टी। 81 साल के बिग बी सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवाए गए भर्ती। सूत्रों की माने तो बिग बी को भारी सिक्योरिटी के बीच हॉस्पिटल में लाया गया। 2018 की फिल्म द ठग ऑफ हिंदुस्तान में एक एक्शन सीन करते समय उनके कंधों पर आई थी गंभीर चोटें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिरी, जिसके कारण उन्हें आई गंभीर चोटें। सुरक्षा कर्मियों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। वहीं इलाज के दौरान उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 सहित कुल आई 4 टांके। इलाज के दौरान कड़ी रही सुरक्षा व्यवस्था। वहीं उन्हें कुछ घंटों के बाद किया गया डिस्चार्ज। वहीं ममता के चोटिल होने को लेकर उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जजपा पर कसा तंज। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये बात सार्वजनिक हुई है कि बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट JGP के लिए छोड़ रही थी और रोहतक का नाम सुनते ही JGP ने गठबंधन तोड़ दिया। दोनों दलों ने जनता का मूड भांप कर रोहतक छोड़ने की बनाई है रणनीति। हरियाणा के पानीपत में सीएम फ्लाइंग ने सेक्टर 6 स्थित ट्रैफिक पार्क में मारा छापा। दरअसल टीम को तहसील कार्य में कार्यरत लाइसेंस क्लर्क व अन्य कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक पार्क में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में दलालों के साथ मिलीभगत करके पास किए जाने की मिल रही थी लगातार शिकायतें। पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री साधु सिंह और उनके बेटे की 4,58,00,000 की संपत्ति ईडी ने की जब्त। ईडी ने धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की ये कार्रवाई। बता दें कि कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साधु सिंह के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कर रही है जांच। साधु सिंह पंजाब में 1 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान रह चुके हैं वन मंत्री। किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से हुई युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने अस्थियां एकत्रित की। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेता बटिंडा के गांव भल्लो पहुंचे। यहां पर युवा किसान शुभकरण की अस्थियों का कलश किया एकत्रित। इस मौके पर किसान नेता जगजीत सिंह और श्रवण सिंह पदेर भी रहे मौजूद। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा भेजा। उनका यह फैसला हरियाणा में सीएम बदलने के बाद आया। भोपाल सिंह यमुनानगर के खत्री गांव के एक सामान्य और साधारण परिवार से हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर गांव के सरपंच से किया था शुरू। सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।